बताओ जरा, ऐसा नहीं लग रहा मतलब दो तीन दोस्त आपस में बहुत पुराने टाइम बाद मिल रहे हैं? पुराने दोस्तों, कहाँ पर हो तुम सब यार? बताओ, एक एक वीक नहीं किया लाइव चैट, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कितने दिनों से नहीं मिले। तो पहले तो जो भी लाइव अभी आ रहे हैं उनको मेरे और कृष्णा जी की तरफ से हाय, बहुत प्यारा वाला हाय। निश्चय चौधरी का आज फर्स्ट हाय है, हाय निश्चय चौधरी भाई। हेलो समीर रंगरेज, हाय परितोष ठाकुर, प्रशस्ति पाठक करें, हेलो जी, हेलो जी प्रशस्ति पाठक, हेलो जी शुभी नीमा। धीरे धीरे आ रहे अपने सारी क्या अपनी दुकान के ग्राहक। मस्त यार, देखो पहले आ जाओ लाइव, बहुत सारी बातें, बहुत सारे भी नहीं तो जितनी भी बातें करेंगे दिल से करेंगे यार, बहुत टाइम हो गया बताओ बातें करे हुए अपन को। वैभव शर्मा कह रहे हैं हेलो मोहित भैया, हेलो भाई। समीर अंग्रेज कह रहे हैं हाउ आर यू, एकदम बढ़िया। अरमान अली कह रहे हैं हाय मोहित भाई, हाय अरमान अली। तानिया एपी आचार्य कह रहे हैं कैसे हो, बढ़िया बढ़िया। तनु शर्मा कह रहे हैं नाइस, क्या लग रहे हो, लव यू, आई लव यू टू। दीपिका सा सैनी कह रही है हेलो। श्वेता परमार कह रहे लव यू, आई लव यू टू श्वेता परमार। सैम ग्रुवी कह रहे हेलो मोहित भाई, हेलो। प्रियंका मेहता कह रहे आई एम वॉचिंग योर लाइव, योर शोज एंड योर ओ एल, लव यू सो मच। अरे थैंक यू प्रियंका मेधा। दिव्य भारती दास कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल दिख रहे हो आज, क्यूटी पाई, थैंक यू यार दिव्य भारती दास। वैभव शर्मा कह रहे हैं मोहित भैया हेलो, हेलो वैभव शर्मा। प्रशस्ति पाठक जस्ट शेयर योर वीडियो, तो प्रशस्ति पाठक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियो। ये फेसबुक वाला लाइक तुम्हारे लिए, और थैंक यू यार शेयर किया तुमने वीडियो। और धीरे धीरे आ रहे हैं सब लाइव आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया। आ जाओ पहले यार, इकट्ठे हो जाओ। तो जो अपने रेगुलर कस्टमर है अपने लाइव चैट के, अपने सुपर संडे विद एमजी के, उनको तो क्या ही बताऊं। जो नए आए हैं एकदम नए नवेले हैं उनको बताना पड़ेगा, देखो अपनी जिम्मेदारी बनती है ना। वो पहली बार जो लाइव चैट कर उनको बताया तो सर कि क्या होता है लाइव चैट में, वो कहीं आ जाए एक एक अलग ही उम्मीदों वाली दुनिया लेकर कि लाइव चैट में तो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। नहीं 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 कुछ नहीं होता, हमारे सुपर संडे विद एमजी लाइव चैट में बता रहा हूँ तुम सबको, एकदम ही मतलब कह रहा हूँ बोगस है हमारी, हम कुछ नहीं करते, हम दोस्त हैं आपस में बातें करते हैं, एक मैं और एक मेरे जो देख रहे हैं सारे दोस्त, हम सब दोस्त लोग आपस में बातें करते हैं। एक दिन संडे का हमें मिलता है और संडे के दिन को हम अपने अपने तरीके से तो पूरा हफ्ता एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, गाने सुनते हैं, जो मर्जी चाहे अपनी लाइफ में करते हैं, पढ़ाई करते हैं जैसे तुम सब कर रहे हो, जॉब करते हो। पर ये एक जो संडे का दिन होता है उसके उस दिन 9 PM पर मोस्टली हर रात को 9 बजे संडे को हम आपस में बातचीत करते, तो ये बस और कुछ नहीं है, हम दोस्तों की कॉन्वर्जेशन, हम दोस्त लोग बातें करते हैं आपस में, और कुछ नहीं है जी। और प्लीज़ और कुछ एक्सपेक्ट मत करना है, अभी कुछ नहीं होता है। गाना गाते हैं साथ में तो गा लेते हैं, इच्छा होती है तो सबकी, और नहीं तो बस बातें करते हैं यार, क्योंकि बातें ही तो नहीं कर पाते हैं और तो बाकी सब हो ही जाता है। बताओ जरा। तो चित्रांश जैन कह रहे हैं हेलो जी, हेलो चित्रांश। साहिबा खान कह रही हैं हम तो कभी कभी आते हैं फिर भी मेरा नाम नहीं लेते आप, इसलिए हम सैड होकर चले जाते हैं। ऐसा मत करो यार, चले जाया मत करो। देखो मेरे मेरा बस चले तो मैं तो तुम सबको रिप्लाई करूं, पर तुम खुद ही देखो ना, इतने सारे तुम कमेंट्स, सारे सबके सब ये कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं कैसे रिप्लाई करूं? मैं तो एक बेचारा इंसान हूं ना, बताओ जितनी देर में एक का मतलब एक कमेंट का जवाब देता हूँ उतनी देर में बहुत सारे आ जाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो बढ़िया न्यूज़ ये है कि राजेश गुप्ता एंड 10 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, तो राजेश गुप्ता और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उनको थैंक यू। और अच्छा लगता है यार तुम शेयर करते हो, बातें करते हो, कमेंट करते हो, यहाँ बहुत सारे दिल बने हुए आते हैं ऐसे सीरीज से, लाइन से दिल और लाइक्स बने हुए आते हैं, अच्छा लगता है यार। अभी देखो अभी ऐसे ऊ कर कर बना हुआ आ रहा है, अच्छा लगता है मतलब मस्त मजा आता है। तानिया गिरी कह रहे हैं न्यू हेयर कट, हाँ तानिया छोटे करवा लिए मैंने बाल, और मेरी इच्छा हो गई यार पता है। वैसे तो मैं मतलब जनरली बियर्ड कभी कभी ज्यादातर टाइम में अपनी बियर्ड और मुस्टैच मतलब कट कर ले, छोटे कर लेता हूँ। इस बार मेरी इच्छा की नहीं यार बढ़ने दो, अब मैं बड़ा देखता हूँ कैसा, जब तक इच्छा होगी तब तक करूंगा। और योगेश संगुल्ले लास्ट टाइम कहाँ थे भाई? तो योगेश को पता है और काफी सारे यार तुम सबको बताओगे कि लास्ट संडे अपन ने नहीं किया लाइव चैट, तो अब क्योंकि तुम सब आ चुके हो लाइव चैट पे तो मैं बता भी देता हूँ कि लास्ट लास्ट संडे को मैं सुपर संडे जी अपनी जो लाइव चैट होती है वो क्यों नहीं किया। तो प्रशस्ति पाठक कह रहे हैं मार्च का सॉन्ग कब आएगा, न्यू स्टोरी सॉन्ग, ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे। अनमोल अग्रवाल कह रहे हैं आई हैड शेयर्ड योर बोथ स्टोरी सॉन्ग्स कपकेक एंड बी माई वैलेंटाइन। अरे यार क्या बात है।
अरे लेकिन मैं तो मतलब ये पूछ नहीं पाया कि बी माई वैलेंटाइन कैसा लगा, तो वो सब भी पूछना है तुम सबसे, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें रह गई हैं करनी। तो उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं लास्ट संडे को क्यों नहीं आया, ठीक है? रोहित बगले कह रहे हैं यू शुड ऑल्सो वॉच जी लिटिल चैम्प, किड्स आर सिंगिंग, हाउ स्वीट रोहित। आई रियली विश कि मैं देख पाऊँ, लेकिन क्या है मतलब मैंने मतलब टीवी में थोड़ा कम मतलब कम सही देखता हूँ, मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा थोड़ा और अलग तरह का टाइम स्पेंड करता हूँ मैं। मतलब जैसे ये अपनी डार्लिंग है, ये मेरे को गिफ्ट की थी अपनी कपकेक फैमिली के कुछ लोगों ने मिलके, मेरी बर्थडे पे प्यारा सा गिटार गिफ्ट किया था, और इसकी साउंड बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसी को प्ले करता रहता हूँ और कुछ गाने बनाता रहता हूँ। जैसे आज एक नया गाना बनाया, और मेरे को बहुत पसंद है, पता है क्या, मेरे को जैसे प्रॉपर डायरीज होती है ना जिसमें मतलब गाने लिखते हैं या पोएम्स लिखते हैं लोग अपनी सजा सजा कर अच्छे से, मेरे को वो पता नहीं क्यों मतलब पसंद, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, पर उतना मैं नहीं हैबिचुअल हूँ इसका। मेरे को इसका बड़ा शौक है कि मेरे जब कॉलेज में भी पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो जो कॉपीज होती सब्जेक्ट की कॉपी, जैसे मैथ्स की कॉपी हो गई या साइंस की कॉपी हो गई या बायोलॉजी की कॉपी हो गई, उन कॉपीज के लास्ट पन्नों पे लिखना मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसे ही मैं कुछ भी रफ चीज उठा लेता हूँ, जैसे मैंने घर से एक डायरी थी ये उठा ली, और इसमें मैं कुछ गाने शाने ऐसे लिख रहा हूँ ऐसा करके, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ऐसी रफ कॉपीज में रफ अंदाज में लिखना। तो अच्छा, तो आप तुम सब क्योंकि आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लास्ट संडे क्यों नहीं आया मैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो नहीं था, मैं सर बताऊँ तो मतलब ऐसी फील कर गया मेरे को, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को फील ऐसा हुआ कि यार नहीं आने की इच्छा थी मेरे को, मतलब और कोई वजह नहीं थी, तुम सब तो देखो दोस्तों, तो फील फील की बात होती है यार, मेरे को ना लास्ट संडे फील नहीं थी मतलब आने की, ऐसे दिल ने कहा कि यार कि जिस दिन इच्छा ना हो तब भी क्या मतलब ऐसा करो क्या, मतलब देखो जैसे तुम सब हो, तुम सबकी इच्छा होती है तो तुम लाइव चैट देखते हो, तुम सबकी इच्छा होती है तो तुम गाना सुनते हो, तुम सबकी इच्छा नहीं होती तो गाना नहीं सुनते हो, तुम सबकी इच्छा होती है तो बात नहीं करते हो, सबका अपना अपना मूड होता है ना। तो मैंने सोचा यार कि मेरा अगर मूड हुआ लाइव चैट नहीं करने का किसी दिन, तो मैं नहीं करूँ तो कैसा होगा। तो लास्ट संडे ऐसा ही सब था कि मतलब मेरे उस दिल ने कहा कि यार आज नहीं करूंगा मैं, तो मैंने कहा कि नहीं। और फिर ऐसे ही मेरे को मतलब फेसबुक पे अपनी जो पेज है ना उस पे मैसेजेस आए कि लाइव मतलब चैट क्यों नहीं करी ऐसा करके, और क्योंकि हर संडे अपन तो करते हैं, अपन मिलते ही हैं, तो यार मेरे को ऐसे लगा कि यार मोहित तूने इस बार तो तेरी इच्छा नहीं करी इसलिए तूने नहीं किया, पर ये भी तो सोच कि यार तुम सब की इच्छा होती है बात करने की, इसलिए भी तो मतलब तेरे को करना चाहिए ना। तो मैं आज भी ऐसे सोच रहा था, मम्मी से भी मेरी बात हुई फोन पे, तो सोचा मैंने कि मतलब लाइव चैट करूँ ना करूँ, नहीं करूँ क्या यार, नहीं करूँ क्या, फिर ऐसे सोचा यार कि मेरी इच्छा होगी नहीं करने की, पर तुम्हारी तो इच्छा है ना, मतलब लाइव चैट में आते हो तुम इतना प्यार से हर बार, कितने मतलब संडेज हो गए अपन को, शायद 1-2 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया अपन सब लाइव चैट में आते ही आते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे आते हो तुम, तो यार ये मान लो कि मैं, और कोई वजह नहीं है मेरी लाइव चैट पे आने की, सिर्फ मतलब अच्छा लगता है कि तुम आते हो ना, बस और कुछ नहीं यार, तुम सबके लिए अच्छा लगता है मुझे करना। और एक और बात बताऊँ तुम्हें दिल की, तो कैसा था मेरे साथ में यार, कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि मतलब जैसे कुछ बहुत सारे तुम लोगों की मतलब कई बार स्टेटसेस मेरे बारे में होते हैं, कई बार मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो कई लोगों ने मतलब मेरी डीपी साथ में लगा रखी होती है, या ऐसे लिखा होता है कि मोहित गॉड इज लव ऐसे करके, मतलब यार मतलब बहुत अच्छा सा लगता है, और फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, क्या होता हूँ, तुम मतलब तुम प्यार करते हो ना, तो तुम सब जब अपने बताते हो कि तुम्हें कितना प्यार है, देखो बाल भी अजीब से हो रहे हैं, पर कोई ना, तो मेरे को बस एक चीज़ लगती है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर दूँ, और बहुत सारी चीज़ें क्या करूँ, तो दिमाग में आता है कि यार बहुत सारे गाने बनाऊँ, इतने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाऊँ तुम सबके लिए कि मतलब तुम सबको मज़ा आ जाए, मतलब तुम सब मतलब बहुत मतलब तुम सबको खुश करना है मुझे, ऐसा मेरे को अंदर से फील आती है कि देखो मैं तो मतलब खुश रहता ही, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट इंसान कहता हूँ मैं, तो कहता हूँ मैं खुद को कभी कभी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी करूँ ना तो मतलब ऐसा मतलब तुम सबके लिए कोई अच्छा सा करना है यार, बस और कुछ नहीं है मेरे को, तुम सब जितने भी हो बहुत प्यारे हो मेरे लिए, और तुम सबके लिए कुछ कुछ करके जाऊंगा मैं, देखो मैं तो ये बता रहा हूँ तुम सबको, ऐसे ऐसे गाने देकर जाऊंगा ना, तुम बहुत खुशी से सुनाओगे सबको और बहुत मजा आएगा, तो बस ऐसी मेरी इच्छा है, तो फील की बात है, तो फील की बात बता रहा हूँ तुमको, ऐसी सी अपनी इच्छा है जी, बहुत सारे गाने बनाना है तुम सबके लिए, तो अभी मार्च में मार्च में स्टोरी सॉन्ग आने वाला है,
उसका नाम क्या है मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन क्या है थोड़ा सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना। अब देखो सरप्राइज का मजा तभी है जब उसके लिए थोड़ा सा तरसाया जाए। तो ये समझ लो ऐसी सी बात है, मार्च का स्टोरी सॉन्ग का वर्क चालू हो चुका है ऑलरेडी। उसका ऑडियो में स्क्रैच अभी 3 4 दिन पहले रिकॉर्ड कर कर आया, उस पर ट्रैक बन रहा है। ट्रैक का थोड़ा सा दिक्कत लगा मुझे, ट्रैक मतलब म्यूजिक उस पर जो सेट होता है ना, उसके पीछे जो बजता है, तो अभी उस पर मैं वापस से रीवर्क करवा रहा हूँ। अभी कल लाइव गिटार उस पर रिकॉर्ड करवाना है, गिटार से रिकॉर्ड कराना है। गिटार का एक बार लेआउट बन जाएगा, उसके बाद में उस पर बेस और भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मतलब जो होता है ना, ताकि उसको और अच्छा सा बनाए। गाने का नाम भी तुम सबको बताऊंगा मैं, पर अभी नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके आराम से बताऊंगा, पहले हो जाने दो उसका अच्छे से, फिर तुम सबको मजा आएगा यार। देखो तुमको तो पता ही, अपना मोहित के स्टोरी सॉन्ग्स ना 1 2 महीने का काम नहीं, अपना 12 महीने का काम है। तो 12 महीने तुम्हारे लिए, इस साल में 12 सॉन्ग्स लेकर आएगा मोहित, मोहित की स्टोरी सॉन्ग। और मतलब देखो यार तुमने तो साफ साफ बता दिया मैंने, मैं जो भी कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और मैं तो खुश हूँ ही इसमें कि मेरे को तो खुशी मिलती है, पर मेरे को और ज्यादा अच्छा लगेगा कि मतलब तुम सब जो मुझे प्यार करते हो ना, तुम सबको बहुत सारे गाने दूँ मैं, इतने सारे कि मतलब तुम सुनते ही जाओ, मतलब तुम, ऐसी मेरी इच्छा है बस। तो अच्छा सॉरी यार, पता है अब इतनी देर से मैं फील फील में बोल रहा हूँ, तो मैं कमेंट्स पढ़ना भूल गया, तो उसके लिए थोड़ी सी माफी है। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि सूरज शाह कह रहे हैं, अच्छा भाई अपना सॉन्ग सुना भाई फिर मुझे दिल से पुकार तू। नहीं यार सूरज भाई, देख अभी तो मेरी इच्छा नहीं है गाने की, तो मैं अभी नहीं गाऊंगा। लेकिन मानस शर्मा कह रहे हैं, लड़कियों का ही लेते हो नाम। अरे भाई इतनी देर से तो मैं कोई किसी का नाम नहीं लिया, एक ही नाम ले रहा हूँ, मोहित के स्टोरी सॉन्ग, मोहित के स्टोरी सॉन्ग। मोनिका अग्रवाल कह रहे हैं 24, मोनिका अग्रवाल 24 अदर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, तो थैंक यू सो मच मोनिका अग्रवाल और जितने भी लोगों ने शेयर किया वीडियो। सोनक स्नेहा कह रहे हैं, व्हाट इज योर नेक्स्ट सॉन्ग, बताऊंगा बताऊंगा जरूर बताऊंगा। शक्ति सिंह सिखावत उदयपुर वती कह रहे हैं हेलो हेलो। निकिता जैन कह रही है, क्यूटेस्ट बेस्ट स्माइल एवर, योर ऑसम, थैंक यू सो मच निकिता जैन। तन्मयी बंगराम कह रहे हैं, प्लीज यार लास्ट टाइम ऑल्सो इन FB एंड इंस्टा पे मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं, प्लीज कम से कम आज रिप्लाई कर दो। तन्मयी बंगराम ऐसे कह रहे हैं, हाय ब्रो, हाय ब्रो। मिक्की पांडे कह रहे हैं, मिक्की पांडे का कमेंट, वन रिक्वेस्ट प्लीज, मेरी बेस्टी का नाम ले लो, शी इज वेरी बिगेस्ट फैन ऑफ योर, शी इज माई लाइफ, ट्रू फ्रेंडशिप नेवर डाई। क्या नाम है ये तो बताओ मेरी जान, मिक्की पांडे क्या नाम है आपकी बेस्टी का ये तो बताओ, तो तभी तो मैं ले पाऊंगा ना। और पहले तुम्हारी जो बेस्टी है उसको बहुत थैंक यू कहना यार, इतना अगर वो मतलब रिस्पेक्ट करती है और प्यार करती है तो यार मेरे को अच्छा लगता है, मेरे अच्छा लगता है तुम प्यार करते हो, तो और किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, मुझे तो अच्छा लगता है बहुत। तो शेषा की स्वीटनेस प्रिया कह रही हैं हेलो, साशा की स्वीटनेस प्रिया, क्या अलग सा नाम है ना इनका, मस्त। मानस शर्मा कह रहे हैं, मेरा नाम लो प्लीज अभी लिया। देखो सुमित कुमार कह रहे हैं, भाई हम लड़के भी हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम क्या पहली बार आए हो कि लाइव चैट में है? लाइव चैट में जो आते हैं रेगुलर उनको पता है कि अपना ना अपना सारे दोस्त हैं, उनको लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लिए सारे तुम सब एक हो, हमेशा रहोगे, सीधी सी बात है यार, प्यार है तो सबसे है मेरे को। अनुराग कर्ण ने कहा है कि भाई यू इंस्पायर मी, लव यू, आई लव यू टू अनुराग कर्ण ब्रो, थैंक यू ऐसा कहने के लिए यार। और महक पटेल कह रही कि और स्माइल इज सो क्यूट, एकदम किलर, थैंक यू यार। मोहित कुमार कह रहे हैं, हाय मोहित, माई सेल्फ मोहित एंड सिंगिंग में इंटरेस्ट है उनको, सिंग जीना जीना कह रहे हैं वो, ऐसा क्या? अरे यार जीना जीना तो कैसे अभी सुनाऊँ, मतलब मेरी गाने की सच बताऊँ तो आज बड़ी फील थोड़ी सी कम है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कमेंट आया मोहित गौड़, मोहित गौड़ का ही कमेंट आया, वो कह रहे राधे राधे भैया, क्या बात है बताओ, मोहित गौड़, मोहित गौड़, मस्त अच्छा लगा यार, खुशी जाना यार, ब्लू शर्ट में ऑसम लग रही है मोहित, थैंक यू। खुशी शर्मा, सचिन राजपूत कह रहे हैं, ओ हल्लो भाई, ओ हल्लो यार, अभी अभी है ना, पता है बहुत दिन से वो मैंने, क्योंकि तुमसे बात नहीं करी ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं अपनी बात तुमको बहुत सारी बता दी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा, तो जो जो भी कमेंट आएंगे ना वो सब मैं पढ़ूंगा, उनका रिप्लाई करूंगा, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से लेट्स डू इट, बहुत बहुत दिन से हो गए, मतलब तुम हम सबके कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, तो तुम जो भी कमेंट कर रहे हो मैं वो पढ़कर रिप्लाई कर रहा हूँ उसका, ठीक है। तो मिकी पांडे कह रहे हैं, माय बेस्टी का नेम विधि है, ओके मिकी पांडे, तो विधि को हाय कहना मेरी तरफ से। जिग्नाशा बोइटी कह रहे हैं, मैं तो हर लाइव चैट पे आती हूँ बट आप मेरा नाम नहीं लेते हो। जिग्नाशा बोइटी, अभी मेरे को आपका कमेंट दिखा और मैंने रिप्लाई किया, और बहुत फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इसको, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे क्रिकेट के कमेंटेटरी होता है ना, ऐसे करके। तो जारा अहमद कह रहे हैं, हाय मोहित, हाय जारा अहमद। अलीशा खान कह रहे हैं, क्यूटी पाई आपकी स्माइल पे तो मर जाऊं मैं, नहीं मरना मत, अभी तो जिंदा रहना है।
बहुत सारे गाने देना तुम सबको. सुनंदा गुप्ता, आई जस्ट लव योर सॉन्ग्स मोहित, लव इट यार एंड गुड लक फॉर फ्यूचर. थैंक यू सुनंदा गुप्ता. मानस शर्मा कह रहे हैं मेरा कवर पिक में आप हो, क्या बात है यार. थैंक यू मानस शर्मा ब्रो फॉर दिस. सिग्दा मनन माना कह रही है क्या मुझे एक रिप्लाई मिल सकता है, जस्ट हाय. हाय स्निग्धा माना. मानसी नीमा कह रही है हाय हेलो, हाय हेलो. तन्मयी बंगराम कह रहे हैं मोहित आई एम गर्ल यार यू सेड ब्रो. अच्छा यार मुझे पता नहीं था यार, देखो डीपी यहाँ से अच्छे से दिखी नहीं, सॉरी तन्मयी बारग्राम. मोहित गॉर्डन 30 इयर्स जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू एवरीवन जिसने शेयर किया वीडियो. खुशबू गोयल कह रही योर कपकेक स्टोरी सॉन्ग इज जस्ट ऑसम. थैंक यू खुशबू गोयल. शिल्पी जायसवाल कह रहे मोहित आज एक भी रिप्लाई नहीं किया यार आपने, बट कोई नहीं आपको देख लिया ना बस वही बहुत है और बहुत प्यारे लग रहे हो अमीरा की तरह. यार जान ले लो तुम, जान ले लो, मतलब ऐसे प्यारे प्यारे यार तुम कैसे से हो तुम हैं बताओ जरा एक बार, इतने प्यारे से कमेंट करते क्या कोई. तो नितेश गुप्ता कह रहे हैं आई लव यू सर, आई लव यू टू नितेश गुप्ता भाई. अभिषेक जैन कह रहे हैं हे ब्रो कैसे हो, योर मूच इज टू गुड. थैंक यू. स्निग्धा मंडल कह रहे हैं मैं क्या करूं मोहित मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. क्या अच्छा नहीं लग रहा है स्निग्धा मंडल बताओ, क्या अच्छा नहीं लग रहा है. सुरक्षा कह रहे हैं भाई सिंगिंग में मुझे भी अच्छा है और मैं सॉन्ग भी गाता हूँ भाई, तो भाई कोई टिप्स दे दो भाई. सुरक्षा मेरे पास खुद के कोई टिप्स नहीं है भाई, मैं तो खुद सीख रहा हूँ और अगर कभी मैं कुछ सीख पाऊंगा अच्छा तो जरूर तुमको बताऊंगा सिंगिंग के बारे में. ऋतिक गुर्जर कह रहे हैं लड़कियों को हाय हाय बोलना भाई बिकॉज आपको लगता है लड़की ही सुनती है सॉन्ग. नहीं यार ऐसा नहीं भाई, मुझे पता है सब सुनते हो तुम सब सॉन्ग और तुम सब भाई हो और टेंशन ना लो यार, ऐसा मत सोचा करो यार प्लीज. ऋषभ कह रहे हैं नहीं हमारे को भी रिप्लाई भाई, हम ना खेल रहे. मयंक जैन कह रहे पुणे कब आ रहे हो, वेटिंग फॉर योर शो ब्रो. जल्दी आई होप मयंक जैन जल्दी पुणे आओ. अभिनव शर्मा भी कह रहे हैं हाय मोहित सर, हाय अभिनव. प्रिया जैन कह रहे हैं ऑयल पेस्टल ड्राइंग विश मी लक, ओके ऑल द बेस्ट. निश्चय चौधरी कह रहे रिप्लाई भले ही ना करो बस बोलते जाओ, बस बोलते जाओ अच्छा है ना. यश नाई कह रहे हैं भाई आपको मैंने कितना मिस किया, आई लव यू टू यश नाई. भाविक साधु कह रहे आई लव यू टू. रचना पटानी कह रहे हेलो कपकेक आई लव योर स्माइल, थैंक यू सो मच रचना. नंदिनी देत्रोजा कह रहे हैं क्यूटी सुपर वॉइस, लव यू आई लव यू टू. प्रशस्ति पाटे कह रहे हैं प्यारे हो. थानिया गिरी कह रही योर आईज. जुगल सूर्यवंशी कह रहे हैं सर वी ऑल लव यू एंड मुझे भी आप जैसा बनना है, हाउ स्वीट. एक बंगाली में नाम लिखा हुआ है मोमिन, मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ पर उनका कमेंट है प्लीज से हाय मौली. हाय मौली. आकाश पांडे एंड 32 अदर्स जस्ट शेयर योर वीडियो, तो आकाश पांडे और जितने भी लोगों ने शेयर किया है वीडियो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू. जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं उसको बहुत बहुत थैंक यू कि यार तुम सब अपना टाइम निकाल कर लाइव चैट देख रहे हो, बहुत सारी चीज यार, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. जिन भी लोगों ने कमेंट किया उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू. तो मनीष कुमार शर्मा कह रहे हैं एमिटी एलएफ 2017 आपको मिस कर रहा है. अरे यार क्या बात बोल दी इसने, मैं खुद मिस कर रहा हूँ यार एलएफ, तो क्या बताऊँ मैं, एलएफ तो मेरी जान है यार. ये तो गलत बोल दिया मनीष कुमार शर्मा तुमने यार, अब मैं रुक जाऊंगा इस बात पे और मेरे को रुकना नहीं क्योंकि मेरे को धड़ाधड़ सबके रिप्लाई देना है, तो अभी मैं रुकूंगा नहीं, नहीं तो इसके लिए मैं बहुत फील वाली चीज़ कह दी तूने यार मनीष भाई, नहीं तो मैं क्या बोलूँ. निधिजा कह रही है हेलो मोहित सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है एंड आई लव योर वॉइस. थैंक यू सो मच निधिजा, थैंक यू. दिव्य भारती दास कह रहे हैं मैं क्यूटी पाई, धीरे बोलिए आप थक जाएंगे. थक तो मैं थकता नहीं हूँ, टेंशन ना करो, थक जाऊंगा तो मैं चुप हो जाऊंगा अपने आप. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू सॉन्ग, थैंक यू प्रीति लाड. अनुराग कर्म कह रहे हैं जमशेदपुर से हूँ, कभी यहाँ भी शो करना, विल फील ब्लेस्ड. बिल्कुल अनुराग कर्ण. आशु धोते कह रहे हैं मोहित. साशा की स्वीटनेस प्रिया जिनका बहुत ही अमेजिंग सा नाम है, वो कह रहे हैं लुकिंग सो ऑसम, थैंक यू. वैशाली पेसवानी कह रहे हैं यू लुक वेरी क्यूट, थैंक यू. अवतार सिंह खतोच कह रहे हैं सुपर ब्रो. मयंक शर्मा चित्तौड़गर भाई मेरा नाम नहीं आया अभी तक, देखो अभी आया ना. जरा मत कह रहे हैं योर ऑसम. प्रशस्ति पाठक कितने क्यूट हो, ये प्रशस्ति पाठक ना बहुत खुद बहुत प्यारी है यार, और उसकी शादी हो रही है तो उसको प्रशस्ति पाठक तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी पूरी फैमिली को. शिवानी गुप्ता कह रहे हैं हेलो मोहित प्लीज से हाय टू मी यार एक बार प्लीज. मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है देखो भाई, सच बात तो है और तुम सब प्यार करते हो और मतलब मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है, मतलब मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मतलब मेरे को भगवान जी ने क्या किया, तुम सब ने इतना प्यार दिया. मैं तो क्या हूँ यार, देखो सर मैं तो क्या हूँ, एक कॉमन आदमी हूँ, गाता हूँ बहुत सारे लोग गाते हैं, गाने बनाता हूँ बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, मुझसे बेहतर करते होंगे, बहुत प्यारे करते होंगे, पर मैं जानता हूँ कि यार मतलब मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे अगर तुम सब इतना प्यार करते हो ना
ये मेरा लक है, ये मेरा कोई टैलेंट या मेरा कोई गिफ्ट नहीं है, करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर तुम सब ने अगर मुझे प्यार दिया है तो ये मेरा लक है और ये तुम सब की क्वालिटी है। तो दिस इज़ योर क्वालिटी एंड दिस इज़, ये सब तुम्हारा है। मतलब सच बताऊँ, ये अगर तुम मुझे अच्छा कह रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मेरी वॉइस अच्छी लगती है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा इसमें कुछ भी छोटा सा भी मतलब पार्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारा यार। दिस इज़ योर एफर्ट्स, योर लव, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। वट एवर आई एम, वट एवर आई एम डूइंग एंड आई विल बी डूइंग, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच टू एवरी वन, टू ईच वन ऑफ यू, एंड जितने भी लोग मेरी लाइफ में आज तक आए हैं, आएंगे, उन सब की वजह से है, अगर जो भी है, सिर्फ और सिर्फ तुम सब की वजह से है। तो बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, अब ना अब मेरी इच्छा है कि मैं जाऊँ, और अभी मैं कुछ खाना वाना खाऊँ, थोड़ा सा भूख लग रही थी मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। एक हफ्ता मैंने लाइव चैट नहीं करी, मेरे को फील नहीं थी, मैं जैसे मैंने तुमको बताया, आज वापस से बात कर कर बहुत प्यारा लग रहा है यार तुम सबसे। आए हाय, मस्त, दिल खुश हो गया। और अरे नहीं यार, मैं उदास नहीं हूँ यार, उदास ऐसा मत सोचना कि मैं उदास हूँ, मैं बहुत फील में हूँ अभी। मैं मतलब ध्यान करता हूँ ना, मेडिटेशन की हाइट पर होता हूँ, मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन मेरे को बहुत पसंद है यार। तो मेडिटेशन करके मैं मस्त होता हूँ, मैं ऐसी पीसफुल हो जाता हूँ एकदम, मस्त एकदम। तो जाने मनो, अब टाइम है जाने का, और साथ में एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस ये कि हर संडे अपन लाइव चैट करेंगे। देखो किसी दिन नहीं हुआ मेरा मूड तो मैं तुमको बताऊंगा, प्लीज़ बिल्कुल, तो झेल लेना मुझे। और बहुत प्यार है तुम सबसे, ये बस जान लो, और कुछ नहीं, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा इस बारे में, करके दिखाऊंगा, और करके क्या दिखाऊंगा ये भी तुम देख लेना बस। और उससे यार प्यार करते रहो, मुझे प्यार करो ना करो, बस प्यार करना, किसी को भी प्यार करो लाइफ में, कोई भी उसको, मतलब बहुत खुद को प्यार करना, खुद को प्यार करो, अपनी मॉम को, अपने डैड को, फैमिली को, अपनी कंट्री को, इस वर्ल्ड को, इस पूरी दुनिया को, जिसको प्यार करना है करो, बस करना ज़रूर, और खुश रहना, और आई लव यू। ऐसे ही अपन दो, देखो गुड बाय कहते नहीं अपन, आई लव यू कहते हैं, ये कहकर कि नेक्स्ट टाइम फिर से ज़रूर मिलेंगे। तो आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू, रिमेंबर दैट, नो मैटर वॉट आई विल ऑलवेज लव यू। सो टेक केयर माई स्वीट हार्ट्स, टेक केयर। अनमोल अग्रवाल कह रहे हैं आई लव यू टू, बाय बाय, थैंक यू। नीत पी माहेश्वरी कह रहे हैं आई लव यू सो मच यार। दिव्य भारती दास ने बहुत प्यार से कहा है कि साईं बाबा को हमेशा ऐसे ही खुश रखें, हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट। सिद्धार्थ गुप्ता, हाय माय कपकेक, आई लव यू टू। रिद्धिमा शर्मा कह रहे लव यू। मोहित, आई लव यू। महक पटेल कह रही है आई लव यू। तानिया गिरी कह रही है लव यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। नील पटेल कह रहा है आई लव यू मोर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस यही चाहिए, समझे, ठीक है। तो आई टेक केयर, आई टेक केयर, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय, सी यू। मार्च में वेट करना, स्टोरी सॉन्ग आने वाला है, और कुछ नहीं, बस इधर प्यार करते रहना, समझे, आई लव यू, बाय, टेक केयर।